नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। पर्सन इन न्यूज़ का सेकंड ये लेक्चर है, जिसमें कि आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी उससे आगे कंटिन्यू करते हैं और चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं और मैं आपको अश्योर कर दूँ कि जो करंट अफेयर्स मैं इस वीक में डालूँगा, है ना, फ्राइडे तक, मतलब 26 अक्टूबर तक, वो पूरे एक साल का कंप्लीट वीडियो होगा, सब चीज़ों का, अलग 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 सेक्टर्स का। आप लोग इस पर रिलाई कर सकते हैं और एक गारंटी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इन वीडियो से आ जाएंगे। चलिए अगला, कॉफ़ी एंड नान, बहुत न्यूज़ में आए थे बिकॉज इनका निधन हुआ है अभी हाल में और बहुत चर्चा में आए बिकॉज ये घाना के पूर्व राजनयिक रह चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट था और इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और हाल ही में इनका निधन हुआ 18 अगस्त 2018 को, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, कॉफी अन्नान, ये 1997 से लेकर 2006 तक इसके महासचिव रहे थे यूनाइटेड नेशंस के और अफ्रीका के घाना से ये आते हैं और ये पहले ब्लैक जनरल सेक्रेटरी हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के बने, मतलब संयुक्त राष्ट्र के पहले अश्वेत महासचिव, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला और भी इम्पॉर्टेंट, वीएस नायपॉल, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक थे, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक जो कि नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है साहित्य का, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीएस नायपॉल। 2001 में इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था और 11 अगस्त को इनका निधन हुआ है 2018 में। वीएस नायपॉल ब्रिटिश थे, भारतीय मूल के। चलिए जब बुक्स कराऊंगा तो उसमें इनकी कुछ बुक्स भी बताऊंगा आपको। अगला है प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स, तीनों जोरदार जो भी बताए हैं, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स सबसे जबरदस्त फिजिसिस्ट और जो कि 21 साल की उम्र में मोटर न्यूरॉन नामक डिजीज से पीड़ित हो गए थे। आपने इनकी बहुत आइकॉनिक पिक्चर देखी होगी, जो सीट पर ऐसे करके बैठे रहते थे, कुछ बोल ना पाने की स्थिति में थे। मोटर न्यूरॉन नामक ये बीमारी थी जिसमें 21 वर्ष की अवस्था में ये बीमार हो गए थे, उसे ग्रसित हो गए थे। उसके बाद इन्होंने अपने सारे शोध किए इस अवस्था में रहते हुए भी और इनका जो बड़े बड़े जो काम थे उसमें सामान्य सापेक्षता का नियम, ब्लैक होल के ऊपर इन्होंने स्टडी की, गॉड पार्टिकल के ऊपर इन्होंने स्टडी की और इनका हाल ही में भी निधन हुआ है 14 मार्च 2018 को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी भी कुछ बुक्स मैं आपको बुक्स वाले सेक्शन में ज़रूर बताऊंगा। अगला वीडियो है, अगला है विनी मंडेला। विनी मंडेला का हाल ही में निधन हुआ है जो कि नेल्सन मंडेला जी की पत्नी थी, जो वहाँ के एक प्रकार से राष्ट्रपिता, और ये भी रंगभेद आंदोलन में बहुत बड़ी क्रांति की भूमिका इन्होंने निभाई थी और उनकी वाइफ थी नेल्सन मंडेला की और हाल ही में इनका निधन हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है दक्षिण अफ्रीका। अगला पॉइंट अगर हम लेके आते हैं, पीटर सदरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटर सदरलैंड कौन है? पीटर सदरलैंड को हाल ही में इनका अभी निधन हुआ है और ये WTO के महानिदेशक बने थे 1993 में, पहले WTO के पहले DG बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला, कमलेश नीलकंठ व्यास कौन है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए अध्यक्ष, ठीक है ना, नए निदेशक के अध्यक्ष प्रमुख हो गए, ठीक है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है तो पता भी आप लोगों को, जस्टिस रंजन गोगोई 46वें भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और 2019 तक, नवंबर तक इनका कार्यकाल होगा, 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के, ठीक है, दीपक मिश्रा जी को सक्सीड किया इन्होंने। अगला है, और इन्होंने जो पद संभाला है वो 3 अक्टूबर को इन्होंने ज्वाइन किया था, 13 सितंबर को इसकी घोषणा हो गई थी, 3 अक्टूबर को इन्होंने ज्वाइन किया था। अगला है डी शिव कुमार, इनको पेप्सिको इंडिया के ये पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और इनको भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के का अध्यक्ष चुना गया, इंडियन जो एडवर्टाइजमेंट जो पैरामीटर जो काउंसिल होती है एडवर्टाइजमेंट की, जो उसको देखता है उसके पैरामीटर्स को कि भाई इसमें सारे मानकों का ठीक उपयोग हो रहा है, सारे नियम कानून के तहत कोई भी ऐड लाई जा रही है, उसके प्रमुख बनाया गया है किसको, डी शिव कुमार को। नेक्स्ट है UPPCS के लिए, अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राज नारायण शुक्ल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश का जो लैंग्वेज जो इंस्टीट्यूट है उसके प्रमुख बनाए गए हैं डॉक्टर राजनारायण शुक्ल। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विमल जालान, विमल जालान को जो पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, और इनको एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है जो कमेटी खोजेगी भारत के नए आर्थिक सलाहकार को, प्राइम मिनिस्टर का जो नया इकोनॉमिक एडवाइज़र होगा उसकी खोज के लिए विमल जालान की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। विमल जालान बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है अंशुला कांत, अंशुला कांत, अंशुला कांत कौन है? अंशुला कांत सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के नई प्रबंध निदेशक, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई हैं और ये हुई हैं 6 सितंबर को। अगला है रुचि घनश्याम, ब्रिटेन भारत की नई राजदूत। अगला है प्राची मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राची मिश्रा, ये एक बहुत फेमस जो है एक क्रेडिट एजेंसी है और एक निवेशक बैंक भी है, गोल्डमैन सैक्स जिसको आप लोग बोलते हैं, उसकी प्रमुख अर्थशास्त्री बनी है और ये भारत के इम्पोर्टेंट बहुत प्रमुख अर्थशास्त्री थी और आरबीआई के पहले सलाहकार भी रह चुकी हैं और अब ये गोल्डमैन सैक के द्वारा गोल्डमैन सैक जो एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है उसके द्वारा ये इंडिया रीजन देखेंगी, प्राची मिश्रा। अगला है जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी ये हैं डीआरडीओ के नए अध्यक्ष, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये संस्था है जो कि भारत के हथियार वगैरह निर्मित करती है डीआरडीओ, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जी फॉर ग्रीन जी सतीश रेड्डी। अगला है उदय कुमार वर्मा, उदय कुमार वर्मा पूर्व आईपीएस अधिकारी थे और अब इनको एसोचम का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये वाणिज्य क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और इसका अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, सॉरी महानिदेश महासचिव जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अगला अक्षय कुमार को रोड सेफ्टी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो टीवी पर एड भी आती है रोड सेफ्टी का, सड़क सुरक्षा का, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अक्षय कुमार। नेक्स्ट है अश्विनी कुमार भूटानी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रमुख बनाया गया है, इनके अंडर में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, आशीष कुमार भूटानी। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी अपीली का जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है ना, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत अपीली पंचायत है, उसका प्रमुख बनाया गया है मंजुला चेल्लूर को। अगला हरिवंश नारायण सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के नए उपसभापति डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, इसमें अभी वोटिंग भी इसमें हुई थी, हरिवंश नारायण सिंह इंपॉर्टेंट है। अगला जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यपाल मलिक। अगला बिहार के नए राज्यपाल लालजी टंडन उत्तर प्रदेश के राजनेता थे। अगला उत्तराखंड के नए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट गीता मित्तल, जस्टिस गीता मित्तल क्यों न्यूज़ में आई? जस्टिस गीता मित्तल दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बनी है दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद ही जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, इसके दिल्ली से जाने के बाद अभी जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट रेखा शर्मा, भारतीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष, रेखा ललिता कुमार मंगलम को जाने के बाद रेखा शर्मा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की नई प्रमुख, रेखा शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखा समय वाला। अगला है उच्चतम न्यायालय में नए न्यायाधीश आए हैं जिसमें एक लेडी आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है जस्टिस इंदिरा बनर्जी, ठीक है, और भी हैं लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्टिस इंदिरा बनर्जी इंपॉर्टेंट है और इसमें के एम जोसेफ भी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनके नाम पर बार बार संकट आ रहा था। अगला है यूपी का यूपी रेरा, यूपी
रेरा के नए प्रमुख। ये रेरा करके कानून आया है जिसमें कि जो रियल इस्टेट से के रेगुलेशन का ये एक्ट है कि रियल इस्टेट जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बनाते हैं बिल्डर उनको रेगुलेट करने का नियम कानून के साथ, फ्लैट के पैसे ले लेते हैं देते नहीं हैं, तो उसके लिए एक नियम कानून बनाया गया जिसको रेरा के नाम से जाना जाता है। तो यूपी का जो कानून है यूपी रेरा, इसका प्रमुख किसको बनाया गया है? इसका प्रमुख बनाया गया राजीव कुमार। पीसीएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजीव कुमार, ठीक हो गया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, विमला बाथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विमला बाथम उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष, विमला बाथम नोएडा से एमएलए भी हैं, पूर्व विधायक रह चुकी हैं और ये उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हैं, विमला बाथम उत्तर प्रदेश की महिला अध्यक्ष, विमला बाथम महिला आयोग की। नेक्स्ट है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी के नए प्रेसिडेंट या नए अध्यक्ष कौन हैं? आदित्य विक्रम आईआरएस अधिकारी। उसके बाद विशेष गुप्ता, ये इंपॉर्टेंट है, विशेष गुप्ता उत्तर प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के, है ना, चाइल्ड राइट्स कंजर्वेशन कमीशन के जो प्रमुख बने हैं, बाल अधिकारों के आयोग के जो प्रमुख बने हैं वो हैं विशेष गुप्ता उत्तर प्रदेश के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। अगला है न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनजीटी के नए प्रेसिडेंट बने, नए अध्यक्ष बने हैं। आपको पता है कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो कि पर्यावरण संबंधी पंचायत है और इसका जो प्रेसिडेंट बनता है ये कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज ही हो सकता है, तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल नियुक्त किए गए हैं और ये 5 वर्ष या 70 वर्ष तक के कार्य कर सकते हैं जो पहले आ जाए। इसके बाद कैट के नए अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, सरदार इकबाल सिंह उत्तर प्रदेश के पंजाबी अकादमी के प्रमुख बनाए गए हैं। उसके बाद टीसीए राघवन, ये इंपॉर्टेंट है, टीसीए राघवन जी को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल है उसका इनको महानिदेशक नियुक्त किया है टीसीए राघवन ने, उनको नियुक्त किया है वेंकैया नायडू जी ने, वाइस प्रेसिडेंट है। अगला है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, अनंत बरुआ सेबी के नए अध्यक्ष अनंत बरुआ, SEBI सेबी के नए अध्यक्ष अनंत बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में और आयोग के कार्यकारी मतलब अभी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अरविंद सक्सेना यूपीएससी के सदस्य और कार्यकारी अधिकारी के रूप में, अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है, मैंने बता दिया था दिव्या सूर्यदेवरा आपको 40 अंडर 40 में, ये चौथे नंबर पर हैं फॉर्ब्स की रैंकिंग में। इसके बाद शरद कुमार कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कमिश्नर, बहुत इंपॉर्टेंट है शरद कुमार, सीवीसी बहुत ही, भारत के सीवीसी कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शरद कुमार, ये NIA के पहले चीफ रह चुके हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। अगला है ब्रिजलाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP रह चुके हैं और इनको उत्तर प्रदेश का SC ST कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है, DGP ब्रिजलाल, मायावती के काल में बहुत फेमस थे ये, उसमें DG थे। नेक्स्ट है, अगला अगर देखा जाए तो हाँ, राजेश रंजन CISF के नए DG, राजेश रंजन लिखते जाओ बस आप लोग इसको। अगला इंदु भूषण, जो आयुष्मान स्कीम भारत सरकार ने निकाली है, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम, इंदु भूषण उसके CEO हैं, इंदु भूषण, आयुष्मान स्कीम के CEO, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, भारत के नए विदेश सचिव विजय केशव गोखले भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी विजय केशव गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो
इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बहुत इम्पोर्टेंट है, यूपी के नए डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओम प्रकाश सिंह, ओपी सिंह, ओम प्रकाश सिंह, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप चलते हैं राजेंद्र खन्ना, राजेंद्र खन्ना को एनएसए का डिप्टी बनाया गया है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार अजीत डोभाल का डिप्टी बनाया गया, और ये पूर्व रॉक के निदेशक या डायरेक्टर रह चुके हैं। अगला है विनय सहस्त्रबुद्धे, ये वरिष्ठ भाजपा के नेता थे और इनको भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का अध्यक्ष बनाया गया है। विनय सहस्त्रबुद्धे ICCR का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद UGC का चेयरमैन बनाया गया प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह को, प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह। अच्छा अगला, लोकसभा की पहली महिला महासचिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुप मिश्रा को रिप्लेस किया लोकसभा की पहली महिला महासचिव सेक्रेटरी जनरल, और ये हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है, लोकसभा की महिला सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेक्रेटरी जनरल, प्रेसिडेंट की इलेक्शन में बहुत काम आता है इनका। अगला है FTII, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है FTII, इसके अध्यक्ष बनाए गए अनुपम खेर, थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, अनुपम खेर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, स्टेट बैंक इंडिया का प्रमुख रजनीश कुमार अरुंधति भट्टाचार्य को रिप्लेस किया, ठीक है। अगला उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बहुत है, एस वेंकटेश्वरलू, यूपी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से यूपी भी कवर होता जा रहा है। फिर इसके बाद भारत के नए कैग कौन है, राजीव महर्षि, आपको पता है इस समय राजीव महर्षि। अब देखते हैं इसमें से ये चीज़ें हो गई हैं, अब मैं जो अगला कराऊंगा उसमें कुछ स्पोर्ट्स में करा दूंगा, स्पोर्ट्स वाला पोर्शन, और अवार्ड्स कराऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।